आनंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये दिशन्तु शम्मे गुरुपादपांशवः ॐ शांति शांति शांति। सब लोग साथ में बोलिए शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्ञेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। देखिए जो प्रत्येक जीव है सबका स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद सत चित आनंद। सत यानी जो त्रिकाला बाध है, जिसका कभी नाश नहीं होता, बाध नहीं होता, उसको क्या कहते हैं सत। और चित मतलब जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान ज्ञान रूप है, सबका प्रकाशक है। और आनंद मतलब जो सुख रूप है, सुख स्वरूप। तो जब सबका स्वरूप सच्चिदानंद है तो भान क्यों नहीं हो रहा है? सब तो अपने आप को मरने वाला मान रहे हैं, हाँ जड़ मान रहे हैं, शरीर के साथ तादात्म्य करके, और दुखी मानते हैं। तो ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए कठोपनिषद में एक मंत्र आया, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। यह जो हमारी आत्मा है सभी भूतों में गूढ़ है। गूढ़ मतलब गुह संवरण धातु से बना है, गुह संवरण ढका हुआ है। जैसे दूध में मक्खन है कि नहीं? दूध में तो मक्खन है लेकिन देखने पे नहीं दिखता है, तो छिपा हुआ है। अब उस दूध से मक्खन को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको दही जमाना पड़ेगा, उसका मंथन करना पड़ेगा, तब जाके मक्खन प्रकट होगा, फिर उसका आप सेवन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी प्राणियों की आत्मा व्यापक आत्मा है, सद्रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, लेकिन पांचों कोषों से ढका हुआ है। कोष पांच है, उनको कोष क्यों कहते हैं? कोषवत आवरकत्वात, कोष के समान ढकने की वजह से। जैसे तलवार है म्यान में ढका हुआ है, म्यान में ऐसे, इसलिए तलवार को ऐसे पकड़ोगे हाथ कट जाएगा, लेकिन म्यान में रख करके राजा लोग जैसे आजकल मोबाइल लेके घूमते हैं, पहले के राजा लोग तलवार लेके घूमते थे लेकिन हाथ कटता था, म्यान के अंदर है ना, उसको म्यान बोलते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कोष भी बोलते हैं। और कोष का अर्थ झोला भी होता है, इसको भी कोष कहते हैं। अब इसके अंदर क्या चीज है मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन है, वजन है ना, वजन मालूम पड़ रहा है, अनुमान कर सकते वस्तु है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। इसी तरह से पांचों कोषों से आत्मा ढका हुआ है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। और मंथन भी ऐसा नहीं मनमाने ढंग से नहीं,
गुरु से, गुरु मुख से आप शास्त्र को सुनो, फिर उसका विचार करो। तो विचार करोगे तो जो पांचों कोष है, अन्न पहला कोष है, अन्नमय कोष। सबसे पहले व्यक्ति स्थूल से विचार करता है ना, स्थूल से, सूक्ष्म में जल्दी दृष्टि हमारी नहीं जाएगी। तो इसलिए न्याय प्रसिद्ध है स्थूलारुंधति न्याय, वेदांत में न्याय प्रसिद्ध है स्थूलारुंधति न्याय। अरुंधति तारे को दिखाना हो तो बहुत सूक्ष्म है, नहीं देख पाओगे सीधे। पहले उसको दिखा रहे उधर वृक्ष की तरफ देखो, वृक्ष की तरफ देखे ले वही है क्या, नहीं उसके सीध में देखो ले, हाँ ठीक है वो सात तारे दिखाएंगे, बोले वो सप्तर्षि मंडल। और सप्तर्षि मंडल में भी वो जो छठे नंबर चार ऐसे है और तीन ऐसे एक लाइन में बीच, उसमें जो बीच वाला है वो देखो, उधर दिखा दिए। फिर बोले वही है क्या, नहीं वो तो वशिष्ठ है, उसके बगल में और बहुत ध्यान से देखो, तब जाके वो आपको अरुंधति मालूम पड़ेगी। तो जैसे इस क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाया गया, इसी तरह से सबसे पहला कोष है अन्नमय कोष। अन्न का विकार होने से अन्नमय कहते हैं शरीर को, अन्नमय कोष क्यों कहा जाता है, अन्न से उत्पन्न हुआ है, अन्न में स्थित है, अन्न में लीन हो जाएगा। अन्न से कैसे उत्पन्न हुआ, माता पिता ने अन्न खाया, अन्न का विकार सप्तम धातु, उस सप्तम धातु रज वीर्य के संयोग से ये शरीर पैदा हुआ। और अन्न खाने से बढ़ता है, अन्न खाना कम कर दो कमजोर हो जाएगा। अन्न से उत्पन्न हुआ, अन्न में स्थित है और अन्नात्मक पृथ्वी में जाके लीन हो जाएगा। तो अन्न का विकार होने से स्थूल शरीर को क्या कहते हैं, अन्नमय। और इसमें तादात्म्य कर लिए तो आत्मा को हम भूल गए, इसी के पोषण में लगे हुए, इसलिए इसको कहते कोष। अन्न का विकार होने से अन्नमय और आत्मा को ढकने की वजह से कोष। और ये जो है पहला कोष हो गया, विचार करके देखोगे मैं नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उत्पन्न हो रहा है ना, बदल रहा है और नष्ट हो जाता है, इसलिए मैं शरीर नहीं हो सकता, मैं तो सदा रहने वाला, शरीर का भी साक्षी मालूम पड़ता है कि नहीं, शरीर को मैं जान रहा हूँ, देख रहा है शरीर, दिख रहा है, मैं देखने वाला हूँ। देखने वाला दृश्य से अलग होता है, जो भी दिख रहा है, जैसे दिख रहा है, जो चीज़ दिखती है वह मैं नहीं हूँ, ये शरीर दिख रहा है कि नहीं, बदल रहा है, इसलिए यह शरीर मैं नहीं हो सकता, पहला कोष। इस तरह से विचार करके इसको आप पार कर लो। फिर आया दूसरा प्राणमय कोष, प्राण भी देखिए बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, ये गतिशील है, मैं तो इसका साक्षी हूँ, नदी के किनारे बैठ जाओ धारा बह रही है लेकिन मैं तो एकदम स्थिर बैठा हूँ, धारा चल रही है। ऐसे प्राण अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, एकदम ध्यान करोगे तो मालूम पड़ेगा कहाँ से उठ रहा है कहाँ तक जा रहा है, बाहर तक आता है इधर तक, तो पूरा मालूम पड़ेगा ठंडी में, हाँ गर्म मालूम पड़ता है ना, इसलिए प्राण भी दिखता है, ये दृश्य है। इसके बाद आ जाइए मनोमय कोष। देखो प्राणमय कोष क्या, देखो भूख प्यास आदि प्राण का धर्म है, भूख प्यास किसका धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं, प्राण का धर्म, प्राण का धर्म। क्यों कैसे मालूम पड़ा, कोई आदमी का प्राण निकल जाए ले जाकर अच्छी थाली सजा करके रखो खाएगा क्या, नहीं, प्राण रहेगा तभी खाएगा। और गमन आदि हम लोग जब चलते हैं पैर से चलते हैं तो भी किसका धर्म है, प्राण का ही धर्म, इसलिए प्राणमय कोष में केवल प्राण नहीं आता, पंच कर्मेंद्री भी आती है। तो पंच प्राण और पंच कर्मेंद्री मिलकर के क्या हुए है, प्राणमय प्राणमय कोष।
विचार करके जान लिए कि प्राण दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, इसलिए मैं प्राणमय कोष नहीं हो सकता। दो कक्षा को आपने पार कर लिया। अब तीसरे पे आ जाइए, मनोमय कोष, मन और पंच ज्ञान है, संकल्प विकल्प कर दे, जाना है नहीं जाना है, इसे संकल्प विकल्प करने वाला है, यही है मन। इसके साथ तादात में करके मैं संशय आलू हूँ, ये सब भाव आ जाते हैं ना, इसलिए यह भी आत्मा को ढक रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोष। जो भी आत्मा को ढके वह है कोष। इसमें तादात में कर लिए, अरे मैं तो बहुत संशय करता हूँ, मैं तो बहुत विकल्प करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, चिंतन करता हूँ, ये मनोमय कोष भी आत्मा को ढक रहा है। लेकिन मन भी, आज मेरा मन ठीक नहीं, आज मेरा मन अच्छा है, एक जानने में आता है ना, इसलिए दृश्य है, मैं मनोमय कोष भी नहीं। तीसरी पहुँच गए है ना, तीन पार कर ली। अब आगे चौथी में, चौथी क्या है, बुद्धि विज्ञानमय कोष, जो निश्चय करने वाली, निश्चय कर मुझे ये करना ही है, तो उसको लेकर के भी अपने में मैं निश्चय करने वाला तादात में कर लेता है, इसलिए वह भी आत्मा को ढक रही है, विज्ञानमय कोष। इसलिए जब देखेंगे आज मेरी बुद्धि ठीक है, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, विचार करो कि वह भी प्रकाशित हो रही है। प्रकाश प्रकाश से अलग होता है, जैसे प्रकाश है और ये उसमें हम देख रहे वस्तु को, वस्तु हो गई प्रकाश से, और प्रकाश अलग है। इसी तरह से यहाँ दृष्टा दृश्य, बुद्धि दृश्य है, मैं उसको जानने वाला। इस तरह से जब आप जान लेंगे तो बुद्धि से अपने आप को अलग कर लिए। अब अंतिम में आया क्या, विज्ञानमय कोष, विज्ञान में के बाद आनंदमय, विज्ञानमय तो बुद्धि हो गई ना, बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रिय विज्ञानमय। इसके बाद आया आनंदमय कोष। आनंदमय कोष में क्या है कि जो सुखाकार वृत्ति है, कोई इष्ट वस्तु को देखने से हमें थोड़ा अच्छा लगता है ना, थोड़ा सुख मालूम पड़ा, और इष्ट वस्तु जब हमारे हाथ में आ गई तो और अच्छा लगेगा। तो पहला जो इष्ट वस्तु हमें दिखी, सुख हुआ, उसको कहते प्रिय, और जब हाथ में आ गई और अच्छा लगा, इसको कहते मोद, और उसका जब हम खाएंगे सेवन करेंगे उसको प्रमोद। ये जो सुखाकार वृत्ति है, इसी क्षणिक सुख के पीछे जीव भाग, इसलिए जो नित्य सुख है वो भूल गया। इसलिए जो आनंदमय कोष है यह भी आत्मा को ढक रहा है। इस तरह से जब विचार करेंगे यह सब क्षणिक है, वास्तव में विषय जो है सुख देने वाले नहीं है, उससे भी हम अलग हो जाएंगे। इस तरह से जब विचार करेंगे, विचार रूपी मंथन करेंगे, तो पांचों कोषों का जो साक्षी है, अधिष्ठान है, पांचों को जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, वह आत्मा हम जान लेंगे। तो विचार और भी कई प्रकार से होता है, ये तो पंच कोष का विवेक हो गया। इसी प्रकार अवस्थाओं का विवेचन कर सकते हैं, जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था किसे कहते हैं आप बताइए, आप तो वेदांत के अध्यापक हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब मैं जागृत में हूँ। जागृत अवस्था क्या है, जागृत अवस्था का मतलब है इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम। आप जरूर नोट करने ला, बाकी कोई करे चाहे ना करे, क्योंकि आपको तो पढ़ाना पड़ेगा ना। जागृत का लक्षण है इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम, विषय। जिस अवस्था में हम इंद्रियों के द्वारा विषयों को देखते हैं, वह अवस्था है जागृत अवस्था। और इंद्रिया कैसी, देवता के अनुग्रह से युक्त इंद्रिया, जैसे हम आंख से देख रहे हैं, इस चक्षु के ऊपर आदित्य देवता अनुग्रह करते हैं।
हाथ पे इंद्र देवता अनुग्रह करते हैं, अगर अनुग्रह हटा ले कुछ नहीं कर पाओगे। अस्तो देवता इंद्र पैरालिसिस हो जाए। पैर में विष्णु भगवान उपेंद्र वो कर रहे कृपा, ऐसे सभी इंद्रियों में ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री सभी का एक एक देवता है। इंद्रियों देवताओं के अनुग्रह से युक्त इंद्रियों के द्वारा जब हम विषयों को ग्रहण करते हैं उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जागृत अवस्था। आप कहोगे नहीं मैं तो स्वप्न में भी इंद्रियों से ही देखता हूँ। ऐसी बात नहीं भाई, स्वप्न का विषय भी प्रातिभाषिक, शरीर भी प्रातिभाषिक, इंद्रिया भी प्रातिभाषिक। इसलिए स्वप्न में वासनाओं से दिखता है, जैसी वासना है वैसा ही उद्भूत होकर के पूरा संसार दिखेगा। इसलिए स्वप्न का भी लक्षण है, करणेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कार जह प्रत्यय स विषय स्वप्न इति उच्यते। इंद्रियों के लीन हो जाने पर मन तो जागते रहेगा, मन लीन नहीं होता। मन अगर लीन हो जाए तब तो गहरी निद्रा में चले, उसको बोलते सुसुप्ति। तो करणेषु उपसंहृतेषु जब हमारी इंद्रिया लीन हो जाती है, मन जागते रहता है, मन में जैसा जैसा संस्कार पड़ा है सूक्ष्म कर्म के बल से वह संस्कार उद्भूत होकर के हम स्वप्न देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत राजा बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन कुछ किया कर्म ऐसा है नहीं, फकीर चंद बन के रह गया। हो सकता है स्वप्न में देख ले प्रधानमंत्री बना हुआ। अरे सब कर्मों का ही तो खेल है। अरे कोई राजा बना है, कोई फकीर बना हुआ है, ये कैसे बन गया है? कर्मों का खेल है पूरा। पिछले जन्म में हमने अच्छा कर्म किया है तो एकदम जो है राजाओं जैसे रहेंगे, और अगर कर्म उतना अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। तो कर्म की वजह से ये सब होता है। स्थूल कर्म है, स्थूल भोग आपको मिलेगा, सूक्ष्म कर्म है, सूक्ष्म भोग मिलेगा, ये पूरा गणित है आपका। तो जब इंद्रिया लीन हो गई है, मन में वासनाएं है, वासनाओं के आधार पर विषय प्रकट होंगे। सूक्ष्म विषय तो न तो वहां इंद्रिय है, न विषय है, न मन है, कुछ नहीं है, लेकिन संस्कार की वजह से पूरा दिखता है। और लोग नहीं जाने, अरे मैंने खूब देखा खूब देखा। क्या देखा? जागृत में आए कुछ नहीं, वही आपके पास क्या है, जाते वही के वही पड़े हो। ये है स्वप्नावस्था। और तीसरी आ गई सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था का क्या लक्षण है? सर्व प्रकार ज्ञानोपसंहारे बुद्धे कारणात्मना अवस्थानम सुसुप्ति। सभी प्रकार का ज्ञान उपसंहृत हो गया, अब कोई ज्ञान नहीं, न तो शरीर का ज्ञान है, न परिवार वालों का ज्ञान है, न पड़ोसी का ज्ञान है, न शत्रु का ज्ञान है, न मित्र का ज्ञान है, तो किसी का भी ज्ञान नहीं है। सभी इंद्रिया लीन हो गई है ना, लेकिन केवल ये है कि मैं था, ऐसा तो बोलेगा जागने पर कि मैं सोया था। अरे सोए थे तो कहाँ थे? यही था। क्या तुमने देखा? नहीं कुछ देखा नहीं। सभी प्रकार के ज्ञान का उपसंहार हो जाने पर बुद्धि कारण रूप से, बुद्धि का कारण क्या है? अज्ञान। इसलिए जागने पर क्या कहेगा? अरे मैंने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, बड़े सुखपूर्वक सोया, कोई विक्षेप नहीं है ना, इसलिए सुखपूर्वक सोया। जैसे जिस दिन ऑफिस नहीं जाना हो क्या कहते हैं? अरे आज बड़ा आनंद है। तो ऐसा होता है। तो सभी प्रकार के ज्ञान का उपसंहार होने पर बुद्धि कारण रूप से अवस्थित हो गए, इसको कहते हैं सुसुप्ति। तो देखिए ये जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, आ रही है जा रही है,
और मैं तो वैसे को वैसे कुर्सी पे बैठा हूँ ठीक ठाक, सबको देख रहा हूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चाहे स्थूल विषय का भोग करो, चाहे सूक्ष्म विषय का भोग करो, चाहे अज्ञान का अनुभव करो, लेकिन अनुभव करने वाला मैं ही हूँ। अवस्थाएं आ रही है जा रही, इस तरह से जब विचार करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, ना तो मैं जागृत अवस्था में जो दिखने वाला है स्थूल शरीर आदि, यह भी मैं नहीं, सपना अवस्था भी मैं नहीं, सुषुप्ति अवस्था में भी जो कुछ था वो भी मैं नहीं, बल्कि मैं सबका साक्षी हूँ। और थोड़ी सी एक गूढ़ बात आप लोगों को अब बता ही दूं, तो प्रवचन कर ही रहा हूँ तो थोड़ा सा बता देता हूँ। जागृत किसका धर्म है, स्वप्न किसका धर्म है, सुषुप्ति किसका धर्म है, ये आपको प्रश्नोपनिषद की आनंदगिरी टीका में भी मिल जाएगी। देखो, जिसके रहने पर जागृत का अनुभव होता है, भाई जिसके रहने पर जागृत का अनुभव हो रहा है वही तो, उसी का तो जागृत उसी का तो धर्म होगा कि नहीं। और जिसके नहीं रहने, अब जैसे आत्मा तो हर एक दशा में है, आत्मा कभी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आत्मा के रहने मात्र से ही जागृत का हो अनुभव, तो गहरी निद्रा में भी होना चाहिए। इसलिए अन्वय व्यतिरेक किसको बोलते हैं, कि जिसके रहने पर जागृत का अनुभव होगा, जिसके नहीं रहने पर जागृत का अनुभव नहीं होगा, जागृत उसी का ही धर्म है। तो इंद्रियों के रहने पर, ज्ञान इंद्रिय है जिस काल में, तभी जागृत का अनुभव होता है। इसलिए जागृत अवस्था किसका धर्म हो गया, इंद्रियों का धर्म हो गया। मन भी है, ऐसा नहीं करे मन नहीं है। और सपना अवस्था किसका धर्म है, केवल मन का। जागृत तो इंद्रिय विशिष्ट मन, और स्वप्न किसका धर्म है, केवल मन का। और सुषुप्ति किसका धर्म है, अज्ञान का। आत्मा तो सबको देख रहा है, साक्षी है। इस तरह से जब आप अन्वय व्यतिरेक से विचार करोगे तो आपको अपने स्वरूप का भान हो जाएगा। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। जितना विचार करोगे मन गहराई में चले जाएगा। इस कोई भी विषय आप ले लो, जितना अधिक विचार करोगे गहराई में जाओगे। भाई जैसे आप किसी भी विषय में आप स्पेशलिस्ट हैं, क्या एक दिन में बन गए, एक दिन में तो नहीं बने हैं, विचार करते 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 करते। जैसे कोई जो है प्रोफेसर है, मैथ्स का प्रोफेसर है, क्या एक दिन में बन गया, पढ़ते 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 जब उसके अंदर सूक्ष्मता आ गई तभी वो जाके उस वहाँ पे पहुँचा। इसी तरह यही नियम हर जगह है, जितना विचार करोगे उतनी गहराई में गए। इस तरह से बता दे, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। जो अग्रा बुद्धि है और सूक्ष्म है, पवित्र भी है सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म तो हो और पवित्र ना हो तो उल्टा सीधा काम करेगा। किसी किसी का सूक्ष्म बहुत है लेकिन उल्टा पवित्र, मतलब साधना गायत्री जाप आदि नहीं किए है, देव पूजन आदि नहीं किए है, तो सूक्ष्म होने पर ही पवित्र नहीं है। इसलिए दोनों बता दे, सूक्ष्म भी हो अग्र भी हो, पवित्र हो सूक्ष्म, दोनों चीजें, तभी उस व्यक्ति, तभी व्यक्ति जो है उस आत्मा को जान सकता है। तो है सब जगह, लेकिन बुद्धि जब सूक्ष्म होगी तभी जान पाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।